हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अपना कॉलेज तो आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं उसका नाम है स्नेक एंड लैडर्स या फिर सांप सीढ़ी अपने बचपन में खेली होगी उसी चीज पे बेस्ड एक सवाल आया आज हमारे पास देखते हैं वो सवाल क्या है तो क्वेश्चन है कि आपको एक गेम दे रखी है स्नेक एंड लैडर्स की अभी आप इनिशियली वन पे हो एंड आपको जाना है हंड्रेड स्क्वायर पे क्योंकि स्नेक एंड लेडर्स की जब गेम होती है उसमें आप वन से स्टार्ट करते हो एंड फिर आपको हंड्रेड पे जाना होता है जैसे ही आप हंड्रेड पे चले जाते हो आप जीत जाते हो एंड आपको मैंने पूरा कंट्रोल दे दिया डाई का तो डाइस पे जो आप चाहोगे वही आएगा अगर आप चाहोगे कि सिक्स आ जाए तो सिक्स आ जाएगा अगर आप चाहोगे वन आ जाए तो वन आ जाए टू आ जाए तो टू जो भी आप चाहोगे डाइस पे वही आएगा जो आपको नंबर चाहिए वन से सिक्स के बीच में वो आप ले सकते हो एंड आपको कुछ अरेंजमेंट दिया होगा कि मान लो टेन से थर्टी तक आपकी एक लैडर होगी या मान लो 98 एट से थ्री तक आपका एक स्नेक होगा जो अगर आप नाइन्टी एट पे आ गए तो आप सीधा वो आपको थ्री पे ले जाएगा तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स होंगे आपको बताना है मिनिमम स्टेप्स कितने लगेंगे आपको हंड्रेड स्क्वायर पे रीच करने के लिए है ना तो एक सैम्पल टेस्ट केस से समझते हैं तो सैंपल टेस्ट केस में सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ लैडर्स दिया होगा तो लैडर्स इस केस में है टू तो यानी कि अगर आप थ्री पे आओगे तो आप सीधा नाइन्टी पे पहुंच जाओगे अगर आप फिफ्टी सिक्स पर आओगे तो आप सीधा सेवेंटी सिक्स पर पहुँच जाओगे एंड उसके बाद आपको स्नेक्स दिए होंगे तो स्नेक्स की काउंट है इसमें थ्री अगर आप नाइन्टी नाइन स्क्वायर पे आ गए तो आप सीधा हंड्रेड पे आ जाओगे एंड अगर आप थर्टी एट स्क्वायर पे आ गए तो आप सीधा ट्वेंटी पे आ जाओगे एंड सो ऑन तो अब ये डाइस के अगर आपके पास पूरा कंट्रोल है तो ये आप डिसाइड कर रहे होगे कि आपको किस स्क्वायर पे जाना है जिससे कि आप जल्दी से जल्दी हंड्रेड स्क्वायर पे पहुंच पाओ एंड आपको नंबर ऑफ मूव्स बताने हैं कितने कम मूव्स में आप वहाँ पे पहुंच सकते हो तो इस केस में आउटपुट था थ्री कैसे आपने वन से स्टार्ट किया पहला मूव चला और आपको आ गया टू तो आपने दो जम्प्स आगे ले ली एंड आप पहुंच गए थ्री पे फिर थ्री से आप लैडर चढ़ गए लैडर चढ़ने पे तो आपका कोई मूव नहीं लगा वो तो स्टेप होना ही था तो आप लैडर चढ़ के नाइन्टी पे आ गए नाइन्टी के बाद आपने सोचा कि मैं फ़ाइव ले, ले लेता हूँ अब फिर मैं नाइन्टी फाइव पे आ गया एंड आपने दोबारा फाइव ले लिया और आप हंड्रेड स्क्वायर पे आ गए तो इसमें आपको मिनिमम मूव्स जो लगी वो थ्री है तो आप थ्री से कम मूव्स में तो नहीं पहुंच सकते थ्री से ज़्यादा में तो ऑब्वियसली पहुंच ही सकते हो तो ये आपको बताना है एंड अगर स्नेक आ गया रस्ते में तो आपको स्नेक से उतरना ही पड़ेगा अगर लैडर आ गई रस्ते में तो आपको लैडर पर चढ़ना ही पड़ेगा एंड ऐसा नहीं होगा कि एक ही स्क्वायर पे एक लैडर भी चढ़ रही हो एन एक स्नेक भी खा रहा हो आपको तो ये दोनों अलग अलग केसेस होंगे तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे थोड़ा सोचो इसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा ग्राफ से अगर आपको इंट्यूशन आए कैसे ग्राफ से आप कुछ कर सकते हो अगर ग्राफ की फील आ रही है तो उसके बारे में सोचो तो आप क्या करोगे अगर आप बी एफ एस कर दो एंड सारी पॉसिबिलिटीज इवेल्युट कर दो तो आपके पास आंसर आ सकता है क्या क्या आपके पास हर पोजिशन पे आपको पता हो कि अगर मैं वन देता हूँ टू देता हूँ यहाँ से थ्री लेता हूँ या फोर लेता हूँ या जितने भी मैं डाइस से सारी पॉसिबिलिटीज़ इवेलुएट कर लूँ अगर किसी तरीके से तो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ मूव आ जाएगा तो आप क्या करो कि आपने एक क्यू रख ली उसमें आपने वन को इनिशियली पुश कर दिया क्योंकि आप इनिशियली वन पे ही हो उसके बाद सारी पॉसिबिलिटीज़ आप एक्सप्लोर करो डाइस की कि डाइस से पहले वन लो फिर टू लो एंड सो ऑन ऐसे करके सिक्स तक ले लो एंड वो सारी जो नई पोजिशन आई हैं आपके पास उस पर पहले तो चेक करो कि लैडर या स्नेक तो नहीं है एंड फिर उसको क्यू में वापस डाल दो जैसे ही आप हंड्रेड पे पहुंच जाओ तो अपना ये जो ट्रैवर्सल है वो स्टॉप कर दो तो इस केस में क्या होगा कि बस आपको एक विजिटेड मार्क कर लो ताकि आप एक ही स्क्वायर को बार बार इवेल्युएट ना करो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम में किसी नए स्क्वायर पे आए तो दोबारा आने का तो कोई पॉइंट नहीं बनता ना मान लो अगर आप थर्ड मूव में टेंथ पर आ गए तो फोर्थ मूव पे टेंथ पे आओगे तो उससे आंसर हमेशा ज्यादा ही आएगा ना तो अगर जैसे ही आप पहले स्क्वायर पे आ जाते हो तो उसको विजिटेड मार्क कर दो क्योंकि वो मिनिमम मूव में ही आए हो आप तो बस आपको नॉर्मल एक बी का कोड लिखना है एंड बस बी में पुश करते टाइम आपको दो तीन चीजें का ख्याल रखना है कि लैडर हो या स्नेक हो या फिर विजिटेड तो नहीं है पहले से ही बस यही दो तीन चीज़ का ध्यान रख के अगर आप बी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा तो पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप खुद ट्राई करो क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल सा ही है नॉर्मल एक बी का ही कोड लिखना है बस थोड़ी सी बी में मॉडिफिकेशन करनी है तो एक बार आप खुद ट्राई करो फिर हम इसका कोड देखते हैं तो अब सबसे पहले तो इनपुट लेना होगा तो इनपुट में क्या करेंगे हम सबसे पहले तो हमारे पास कुछ लैडर्स होंगे एंड कुछ स्नैक्स होंगे तो हम क्या करेंगे जो लैडर्स आ रही है ना उसको एक मैप में स्टोर कर लेंगे जिससे हमें पता लग जाए कि इस पोजीशन पे लैडर है या नहीं है तो हम जल्दी से एक्सेस कर पाएंगे वरना आपको सारी लैडर्स पर आइटरेट करना पड़ेगा एंड चेक करना पड़ेगा कि ये वो वाली लैडर तो नहीं है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही हो तो उस लीनियर सर्च को आपको अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर मैप यूज़ कर लूँगा तो एक मैप लैडर्स का बनेगा एंड एक मैप स्नैक्स के लिए बनेगा तब आपने पहले लैडर्स इनपुट लेनी है तो यहाँ पर मुझे पता है कि U से V पे लेडर पे जंप हो सकती है कि अगर आप यू एच स्क्वायेर पर हो तो आप सीधा फिर वी एच स्क्वेयर पर पहुँच जाओगे तो मैंने क्या करा यहाँ पे लैड ऑफ़ U इक्वल टू वी कर दिया जिससे मुझे पता लग गया कि अगर मैं यू एच स्क्वेयर पर हूँ तो मैं सीधा लैड ऑफ़ U करूंगा एंड वी एथ पोजिशन पर आ जाऊंगा सिमिलरली यही चीज़ हमें स्नेक्स के साथ भी करनी है तो यहाँ पे मैंने सीन स्नेक्स कर दिया एंड सारे स्नेक्स के लिए मैंने आइट्रेट किया यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ की मैंने यहाँ पे कि स्नेक ऑफ यू इक्वल टू वी जिससे मुझे पता लग गया कि अगर मैं यू एच स्क्वायर पर आ गया तो मैं सीधा नीचे वी एच स्क्वायर पर आ जाऊँगा तो इनिशियली तो मूव ज़ीरो रखते हैं एंड एक क्यू बना लेते हैं क्योंकि हमें तो बी एफ एस करनी है एंड अभी इसमें मैं क्या पुश करूँगा वन क्योंकि मेरी इनिशियल पोजिशन फर्स्ट स्क्वायर से स्टार्ट होगी एंड एक मैंने बूल वेरिएबल बना लिया फाउंड का कि मुझे अभी तक हंड्रेड स्क्वायर नहीं मिला है एंड एक विजिटेड की भी बनानी पड़ेगी हमें अरे जिससे हमें पता रहे कि कौन सा हमने स्क्वायर विजिट किया एंड कौन सा नहीं किया तो अभी तो हमने वन को विज़िट कर लिया है तो यहाँ पे विजिट ऑफ वन इक्वल टू ट्रू कर दिया अब जब तक या तो मेरी क्यू डॉट साइज एम ना हो जाए एंड जब तक मैं हंड्रेड स्क्वायर को ढूंढ ला लूँ तब तक मैं यहाँ पे ट्रेवल्स करता रहूँगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा क्यू डॉट साइज़ लिया एंड वाई एस जी माइनस माइनस तो यहाँ पे मुझे एक लेवल मिल जाएगा यहाँ पे कि एक मूव जो मैंने चला तो जितनी भी क्यू में अभी तक होंगे सबको एक मूव आगे कर दूंगा तो अभी यहाँ पे एस जेड क्या हुआ क्यू का साइज़ तो मान लो इनिशियली अभी क्यू में, में मेरी दस यूनिक पोजीशंस हैं तो मैं दसों के दसों पे एक मूव सब पे मूव लगा दूंगा एंड मूव प्लस प्लस कर दूंगा तो यानी कि वो जो दस पोजिशन्स थी उन सबको मैं एक एक बारी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे ऑप्शन दे दूंगा एंड उसको अकॉर्डिंगली क्यू में पुश कर दूंगा तो अभी पहले क्यू का देखते हैं टॉप पे जो था एंड क्यू को पॉप किया सबसे पहले तो देखते हैं कि डाइस से मुझे क्या क्या चाहिए मान लो डाइस से मैं ले सकता हूँ तो मैं डाई से यहाँ वन से सिक्स तक नंबर ले सकता हूँ इफ़ टी प्लस डाई इक्वल इक्वल टू हंड्रेड तो यहाँ पे फाउंड इक्वल टू ट्रू कर दूंगा मैं क्योंकि मुझे यहाँ पे मिल गया अपना हंड्रेड स्क्वायर तो अब सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि टी प्लस डाई पर जो नंबर लिया मैंने वो हंड्रेड से तो लेस होना ही चाहिए ना क्योंकि मैं बोर्ड से तो नहीं बाहर निकलना चाहता ना जिसनेकन लैडर का बोर्ड होगा उसके तो अंदर ही रहूँगा मैं एंड अगर वहाँ पे लैडर तो नहीं है पहले ये भी चेक कर लेता हूँ अगर लैडर हुई एंड ये जो नंबर ये जो पोजिशन है ये मैंने पहले ही विजिट तो नहीं कर ली तो यहाँ से मैंने ये भी चेक कर लिया अगर यहाँ पर सारी कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो यहाँ पर इस नंबर को मैं ट्रू कर दूंगा विजिटेड एंड इफ लैड ऑफ़ टी प्लस डाई ये जो पोजिशन निकल के आ रही है वो अगर हंड्रेड है तो यहाँ पे भी मैं फाउंड इक्वल टू ट्रू कर दूँगा एंड लास्ट में तो क्यू में पुश करना है लैड ऑफ टी प्लस डाई अब यही सेम चीज़ मुझे स्नेक्स के साथ भी करनी होगी तो स्नेक्स के साथ भी मैं क्या करूँगा एक तो मैं बोर्ड में तो हमेशा रहना ही चाहिए एंड स्नेक ऑफ टी प्लस डाई यानी कि इस पोजिशन पे स्नेक तो नहीं है तो अगर इस पोजिशन पे स्नेक है एंड ये वाली जो पोजिशन है नॉट विजिटेड स्नेक टी प्लस डाई है तो यहाँ पे विजिटेड और स्नेक टी प्लस डाई इक्वल टू ट्रू कर दूंगा एंड सिमिलरली इस केस में भी मैं हंड्रेड पे चेक कर लूँगा अगर ये ट्रू हो गया तो यहाँ पे फाउंड इक्वल टू ट्रू करना है फ़ाउंड इक्वल टू ट्रू कर दिया एंड क्यू में पुश करना है टी प्लस डाई एंड अगर यहाँ पर अब लैडर भी नहीं है स्नैक भी नहीं है तो एक एम टी स्क्वायर होगा एम टी स्क्वायेयर में भी यही चीज़ करनी है बोर्ड में रहना है एंड अगर नॉट विजिटेड टी प्लस डाई एंड एम टी स्क्वायर है तो यहाँ पर स्नैक भी नहीं होना चाहिए तो इस केस में भी यहाँ पर विजिटेड को ट्रू करना है विजिटेड ऑफ टी प्लस डाई इक्वल टू ट्रू क्यू डॉट पुश डी प्लस डाई तो अब जब आप यहां से बाहर आ जाओगे वाइल लूप में तो दो कंडीशन हो सकती है जिससे आप बाहर आओगे या तो आपके क्यू में एलिमेंट्स ही खत्म हो गए या फिर आपने फाउंड कर लिया अपना हंड्रेड स्क्वायर तो यहां पे वही चीज हम चेक करेंगे अगर तो आपने फाउंड कर लिया है अपना हंड्रेड स्क्वायर यानी कि आप रीच कर चुके हो तो तो आप प्रिंट करा दोगे मूव्स को वरना आप माइनस वन प्रिंट करा दो कि आप हंड्रेड स्क्वायर पे नहीं जा पाए तो अब एक बार इसे रन करके देखते हैं तो यहाँ पे जी प्लस प्लस ए डॉट सी पी पी हमने कंपाइल किया एंड इसे यहाँ पे अब हमने रन किया तो माइनस वन आ गया माइनस वन तो नहीं आना चाहिए था तो एक बार देखते हैं अच्छा तो यहाँ पे मैंने क्यू डॉट साइज कर दिया था यहाँ पे मुझे नॉट क्यू डॉट एम टी करना था यानी कि क्यू एम टी तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्यू को वन पुश कर दिया था तो क्यू का साइज़ तो यहाँ पे ट्रू ही था तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई थी तो ये वाइल लूप में गया ही नहीं तो अब एक बार इसे सेव करके दोबारा रन करते हैं हाँ तो अब अगर ये जो मैंने इनपुट दिया तो उसमें मेरा आंसर आ गया थ्री तो थ्री ही आना था अभी हमने डिस्कस भी किया था तो अब आपने इस क्वेश्चन में देखा कि कैसे आप जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें ग्राफ्स के थ्रू मॉडल कर सकते हैं एंड बी या डी के थ्रू फिर सॉल्व कर सकते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे जो विजिटेड वाली चीज़ ली थी हमने वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उससे सीधा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल से सीधा ओ में रिड्यूस हो जाती है क्योंकि एक स्टेट आप दोबारा दोबारा कैलकुलेट नहीं करते हो एक बार अगर आप मान लो कोई x स्क्वायर पे आ गए तो दोबारा उस स्टेट को आप इवेलुएट नहीं करोगे एक ही बारी में कर लोगे क्योंकि यहाँ पे तो ज़रूरत भी नहीं थी दोबारा इवेल्युएट करने की तो विजिटेड वाली चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय